चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जल्द ही एक घोषणा करने वाले हैं संसद में और बताने वाले हैं कि आखिर इस मामले में अब तक विपिन रावत की हालत कैसी है। और जहां तक की मीडिया रिपोर्ट्स की बात की जाए तो 9 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं और अब तक ये खबर सामने आ चुकी है कि हादसा बहुत बड़ा था। इस पूरे हादसे में चौंकाने वाली बात यह है कि जो हेलीकॉप्टर है जिसकी बात की जा रही है ये सेफेस्ट हेलीकॉप्टर माना जाता है देश का और MI-17V5 इससे बेहतर हेलीकॉप्टर कोई दूसरा नहीं है। और हैरान करने वाली बात यह है कि देश में ये शायद इस साल चौथा हादसा है। 3 अगस्त को कठुआ में एक हादसा हुआ जिसमें सेना के जवान घायल हुए और 21 सितंबर को जम्मू कश्मीर में एक हादसा हुआ जिसमें हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। 18 नवंबर को भी एक ऐसी खबर सामने आई और उसके बाद एक खबर और सामने आई जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ शामिल थे। सोचने वाली बात यह है कि ये वही हेलीकॉप्टर है जिस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ साथ सेना के बड़े अधिकारी यात्रा करते थे। पीएम मोदी खुद इस हेलीकॉप्टर में यात्रा करते थे, अमित शाह इसमें यात्रा करते थे, कैबिनेट के कई बड़े मंत्री यात्रा करते थे, तो फिर चूक कैसे हुई? सबसे ज्यादा हैरान करने वाली जो बात सामने आ रही है वो ये है कि आखिर एक डबल इंजन का जो हेलीकॉप्टर है जिसमें दो इंजन ट्विन इंजन लगे हुए हैं वो किस तरह से क्रैश कर सकता है। अमूमन जब हेलीकॉप्टर क्रैश करता है तो होता यह है कि उसका एक इंजन फेल हो जाता है, लेकिन इस हेलीकॉप्टर में इमीडिएटली दूसरा इंजन भी काम कर सकता है और सेफेस्ट हेलीकॉप्टर अगर इसको नाम दिया गया है, रूस इसको अपना गर्व मानता है और इससे बेहतर नहीं मानता किसी भी हेलीकॉप्टर को, तो आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और सेना के बड़े अधिकारी जान गंवा चुके हैं? तमाम सवाल बने हुए हैं। अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि विपिन रावत की हालत कैसी है। हालांकि ये श्योर है कि वो उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उनकी पत्नी को लेकर लोग जानना चाहते हैं कि मधुलिका जो रावत है उनका क्या हाल है, वो किस कंडीशन में है, विपिन रावत किस कंडीशन में है। हालांकि बहुत दुखद खबर सामने आई है कि हमारे 9 सेना के जवान और सीनियर अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तक जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। और ऐसे में खुद ये ट्वीट किया है जो नौसेना ने और साथ में ये भी कहा है कि जांच के आदेश दिए जाएंगे। सवाल सबके मन में यही चल रहा है कि आखिर विपिन रावत की हालत कैसी है। इस बारे में जल्द ही राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं एक संदेश संसद में आकर देना चाहते हैं और वो संसद में पहुंच चुके हैं, बहुत ही जल्द एक बड़ी घोषणा करने वाले हैं और उसी में आधिकारिक रूप से ये पता चलेगा कि आखिर विपिन रावत हैं कैसे, वो ठीक है और अगर ठीक है तो कब तक वो रिकवर कर जाएंगे। देश का हर शख्स यही जानना चाहता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।